आदमी पार्टी की नेता अलका लामा ने राजस्थान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट पर क्राउड फंडिंग को लेकर निशाना साधा है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने रात के लगभग 10 बजे के करीब एक वीडियो जारी किया, जो बहुत ही हास्यप्रद वीडियो है, जिसमें वो अपील कर रहे हैं कि चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं है और वो राजस्थान के लोगों से क्राउड फंडिंग करने की अपील कर रहे हैं, क्लीन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। ये चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि अगर आप सचिन पायलट जी के खुद के ट्वीट देखें, वो अपने ट्वीट में लोगों को ये बता रहे हैं, आई अपील टू द पीपल ऑफ राजस्थान टू सपोर्ट द क्राउड फंडिंग इनिशिएटिव ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की साइट पे जाते हैं तो वो बताते हैं, हम राजनीति में वित्तीय पोषण को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कड़ा कदम उठा रहे हैं, राजस्थान कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव। ये ट्वीट कब होता है? आज सुबह। यानी कि सचिन पायलट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रयास और पहल बता रहे हैं, वो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहल नहीं है, वो केवल और केवल सचिन पायलट की अपनी पहल है। यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी दूसरे राज्य में फंडिंग की कोई समस्या नहीं आ रही है, चाहे वो राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, इवन कि कर्नाटका अभी वो चुनाव लड़े, उन्हें वहाँ पर भी कोई फंडिंग की समस्या नहीं थी। क्योंकि जब आप सत्ता में होते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको फंडिंग की तब जरूरत नहीं, जो कर्नाटका में आपको जरूरत नहीं पड़ी। ADR का सर्वे जो अभी 31 मई 2018 का है, वो ये बताते हैं कि BJP की जो फंडिंग है उसमें 593% इजाफा हुआ है, और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फंडिंग में 105% इजाफा हुआ है। और दूसरी हैरानी की बात यह है कि ये सचिन पायलट जी जब अपील करते हैं, उस अपील में फोटो जो है वो अशोक गहलोत जी की इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, पर आप अशोक गहलोत जी के जब ट्विटर पे जाएंगे, प्रोफाइल पे, आप देखेंगे एक भी रीट्वीट या इस अपील का समर्थन खुद अशोक गहलोत जी, CP जोशी जी, इनके खुद राजस्थान के बड़े नेता सचिन की इस अपील का समर्थन नहीं करते, उसे ट्वीट नहीं करते, उसे शेयर नहीं करते। हकीकत क्या है? जैसे दीपक जी ने बताया, 31 जुलाई 2018 को आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे राजस्थान के जनता से अपील की थी क्राउड फंडिंग की, ट्रांसपेरेंसी की और पारदर्शिता के साथ साथ क्लीन पॉलिटिक्स की। और ये आम आदमी पार्टी केवल पहली बार नहीं कर रही थी राजस्थान में, हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हम लोग हरियाणा में भी चुनाव लड़ रहे, और हमने 2014 लड़ा, उससे पहले 2013 लड़ा, उसके बाद हमने 15 भी लड़ा। और ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के कदमों पर चलने का एक प्रयास कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ बेनकाब हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि कथनी और करनी में ये फर्क आता है। ये मैं दिखाना चाहती हूँ, जो सचिन पायलट आज क्राउड फंडिंग की, पारदर्शिता की, क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, क्या उन्हें राजस्थान की जनता को इस पे जवाब नहीं देना चाहिए? इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, राजस्थान, FIR अगेंस्ट अशोक गहलोत सचिन पायलट इन एम्बुलेंस स्कैम। आप डायरेक्टर थे इसके कंपनी के, स्कैम हुआ, आपके नेताओं के नाम है एक एक राजस्थान के। तो जनता को जो इसमें देखिए, आप दूसरा भी है कि कांग्रेस लीडर वैला रवि सन बुकड इन राजस्थान एम्बुलेंस स्कैम। सिर्फ राजस्थान के लोग ही शामिल नहीं थे, कांग्रेस के दूसरे राज्यों के भी नेता इस स्कैम में शामिल थे, करोड़ों रुपए का ये स्कैम है। तो मैं अपील करना चाहूंगी कि आप राजस्थान के लोगों को मूर्ख मत समझिए, बहुत समझदार जनता है। आप लोगों ने जब सत्ता में थे, क्योंकि अभी वसुंधरा राजे भाजपा की सरकार है, लेकिन इससे पहले आप ही की कांग्रेस की राजस्थान की सरकार थी, उस सरकार के बाद पिछले चुनाव में आपको क्राउड फंडिंग, क्लीन पॉलिटिक्स, पारदर्शिता के साथ कभी याद नहीं आया। और आज पूरे देश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कमान मध्य प्रदेश के चुनावों में, कमलनाथ जी के पास है, आप हरियाणा में आ जाइए, आप छत्तीसगढ़ आइए, कहीं कोई अपील नहीं हो रही। सिर्फ यहाँ अपील जनता को, राजस्थान की जनता को मूर्ख बनाने के लिए की जा रही है। इसीलिए मुझे लगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमें आपके बीच में आकर इन सबका खुलासा करना चाहिए। पैसे की अगर आपके पास कमी है, आपका एक एक नेता मंत्री, पिछले बार जब सरकार थी 10 साल केंद्र में भी रही, वहाँ पर भी रही, बहुत पैसा है, तो आपको मुझे लगता है जनता को एक बार फिर से मूर्ख बनाने से बेहतर होगा आप अपने धनपति करोड़पति नेताओं से फंड करने के लिए राजस्थान चुनावों के लिए जो है वो कह सकते हैं। 130 साल की कांग्रेस में
थोड़ी सी खुशी ये है कि आम आदमी पार्टी से सीख रहे हैं वो, लेकिन 130 साल लग गए आपको, या इतने साल आपकी सरकारें हर राज्य में चुनाव लड़ती रहीं, लेकिन आपने कभी भी क्लीन पॉलिटिक्स, पारदर्शिता की बात नहीं की। आज ही आपको क्यों ज़रूरत पड़ी, उससे साफ लगता है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, इसीलिए उनको लग रहा है वो पिछले जो तौर तरीके हैं उससे अब जनता मूर्ख नहीं बन पाएगी, इनके बहकावे नहीं आ पाएगी, इसीलिए आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्राउड फंडिंग की, उसी पर चलकर वो सोच रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तर्ज पर वो लोगों का पैसा लेकर ये चुनाव लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा एक धोखा है, इसके ऊपर हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन्हें बेनकाब। खैर, अब देखते हैं कि सचिन पायलट आम आदमी पार्टी के इल्जामों का क्या जवाब देते हैं। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।